तुर्की ने पहली बार पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हर जगह इस शानदार खबर की चर्चा हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की पाकिस्तान पर यह हमला भारत को खुश करने के लिए कर रहा है। एक बड़े मकसद के लिए तुर्की ने पहली बार खुद को कश्मीर के मुद्दे से अलग कर लिया है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। दुनिया को हैरान करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कश्मीर का जिक्र नहीं किया। इस खबर ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा तुर्की ही वह इकलौता देश था जो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाता था। मगर इस बार तुर्की ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। यह वही तुर्की है जिसने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का विरोध किया था। 2019 से ही लगातार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान कश्मीर का मुद्दा उठाते आए हैं, लेकिन अब अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। 2019-20-21-22 हर बार एर्दोगान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे, मगर अब तुर्की शांत हो गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि तुर्की कश्मीर से क्यों डरने लगा है। दरअसल एर्दोगान तुर्की को ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल करना चाहते हैं। इसके लिए भारत की सहमति जरूरी है। ब्रिक्स देशों के समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स के विस्तार की लगातार बातें हो रही हैं और भारत इस गुट के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ब्रिक्स को G7 और G20 से भी मजबूत करने की बातें हो रही हैं। इसीलिए तुर्की अब ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। तुर्की जानता है कि अगर भारत ने मना कर दिया तो वह ब्रिक्स में कभी शामिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुर्की ने भारत को खुश करना शुरू कर दिया है। खबरें हैं कि तुर्की को नाटो ग्रुप से निकालने की तैयारी हो रही है। कई पश्चिमी देश बोलते हैं कि तुर्की नाटो के लायक नहीं है। ऐसे में तुर्की ब्रिक्स में अपना विकल्प ढूंढ रहा है। ब्रिक्स में दुनिया की तीन महाशक्तियां हैं, भारत, रूस और चीन। इसीलिए तुर्की किसी भी कीमत पर ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को लात मार दी है। बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाकर एर्दोगान ने मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना शायद छोड़ दिया है।